बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सबसे पहले सबको ईद मुबारक। अम्मी जी ईद मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आज तो सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और ढेरों सारी खुशियां दे, आमीन सुम्मा आमीन। करते हैं जी अपने आज के व्लॉग का आगाज, और व्लॉग का आगाज करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने सास बहू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम जो भी नई वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो करते हैं जी आज के व्लॉग का आगाज। अच्छा जी, आज तो माशाल्लाह से ईद है, और एक दफा फिर जो भी देखने वाले बहन भाई हैं सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और अल्लाह ताला ये साल ये महीना जो है ना वो सबका खुशी खुशी से गुजरे, और अल्लाह ताला सबको ढेरों सारी खुशियां दे और जिंदगी तंदुरुस्ती दे, आमीन। तो सुबह सुबह का टाइम है, अम्मी जी बनाने जा रही थी सेवैया, तो मैंने भी सेवैया वाली है ना। हाँ जी, मीठी ईद। मीठी जी बिल्कुल। तो अम्मी जी से मैं कह रही थी कि मैं सेवैया खुद ही बनाती हूँ और साथ पे अपने बहन भाई के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि अम्मी जी कह रही थी कल फर्श धोए थे, वो भी आपको बता देती हूँ। कल फर्श धोए थे तो आज रात को सोए और रात को फिर अंधेरी आ गई थी। खाला जी अभी धो रही है फर्श क्योंकि कल धोए थे अभी, तो अम्मी जी जो है ना प्रोग्राम बना रही है कि मैं अभी धो लूं, कोई मेहमान आ जाएगा ना तो फर्श जो है ना वो धोने हैं। तो सेवैया बना। हाँ जी, अम्मी जी कह रही है कि मैं फर्श धो लूं और तुम जो है ना वो सेवैया, मतलब सेवैया बना लो, सेवैया कहने लगी थी मैं भी। जी दूध मैंने रखा हुआ है ऊपर, आग बातों बातों में मेरी आग भी बुझ गई है। मौसम अम्मी ये फिर भी आया खराब है। अच्छा जी, मौसम वैसे तो ठंडा ठंडा कूल कूल लग रहा है मौसम, क्योंकि मौसम खराब हो रहा है आज, काफी मतलब धुंधला सा मौसम है, धूप ही नहीं निकली। और यहाँ पे चारपाई, ये अबू जी की चारपाई थी। हाँ जी, अबू जी फिर जो है ना वो आस्ते आस्ते जानवर को इकट्ठे करने शुरू कर दिए अबू जी ने। हाँ जी, जिन्होंने जिनको मतलब जिन भाइयों को मतलब अंकल को दी थी ना वो भैंसे अबू जी ने बेची थी, उन्होंने भी पैसे देने हैं। जैसे जैसे वो पैसे देंगे वैसे वैसे जो है ना अबू जी फिर ले आएंगे जानवर। अम्मी जी तुसी आ भी इतने सुका ही दिता बेचारा, लो पी करके सही ठीक। मच्छर तो नहीं लगा के अबू जी बाहर ही सो रहे थे, मेरी फिर आग बुझ गई है बातों बातों में। इसे पता नहीं टट्टियोली हमारी जुबान में इसे क्या कहते हैं, इसके यहाँ कहीं पर बच्चे होंगे इसलिए वो बोल रही है। वो देखो वो बैठी है, वो मैं आपको जूम करके दिखा देती, ये लंबी लंबी टांगों वाली, ये सामने, ये वो जो सामने वो सामने। अभी कोयल जो है ना वो भी नहीं आई सुबह सुबह। अच्छा जी, माशाल्लाह से दूध को अच्छे से बॉयल आ चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये व्हाइट वाली इलायची, इसको ऐसे ही तोड़ लूंगी, ऐसे ऐसे, और ये वाली पीस जो है ना ये भी। अब ये सेवैया पा दो, किनिया को पानी जी दो तीन साहब, चीनी पाई जी कि नहीं दो थे? नहीं चीनी आप पा दो, पा ले लाचियां पा ले, मैं लाचियां पा लूंगा तो फिर पा दियो, ज्यादा जो है ना और ठीक ना करे आगे सेवैया में भी ऐड कर दी हूँ। तो बस 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 धोने जी फ्रेश मिर्ची पानी फेर लेने नाले कूलर च पानी पानी ना। अच्छा कल लेके आए थे अबू जी न्यू कूलर, वो आपने भाई सामान की वीडियो में भी देखा होगा। अच्छा जी देखे अबू जी सुबह सुबह ही की करना जे। अच्छा 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 सही ठीक। मीठी सेवैया बन के तैयार हो चुकी है, सुबह सुबह मक्खियां जो है ना यहाँ पे भी बहुत ज्यादा है, तो इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख लेती हूँ, फिर बाद में जो है ना जबरदस्त बन गई सेवैया।
तो अभी आपी जी ने जो है ना मेरे कपड़े इस्त्री कर दिए हैं और अभी आपने करने लगी है। मैंने सिवाइयाँ जैसे आप लोगों से मैंने शेयर की थी, सिवाइयाँ मैंने बना ली हैं और आप कपड़े प्रेस करने का क्योंकि रात को मैंने मुझे एक ही सूट मिला है। अब ये बहन भाई है ना कहें कि मैंने दूसरे दिन क्या पहना है क्या नहीं, क्योंकि मेरे 5 सूट मैंने सिलाई होने के लिए दिए थे। अब उस आंटी ने मतलब सिलाइयाँ भी नहीं निकाली, इतना रश था, एक ही सूट मुझे मिला है और बाकी के 4 जो सूट है वो मुझे ईद के बाद मिलेंगे। तो फिलहाल एक सूट मुझे मिला है तो प्रेस करती हूँ क्योंकि रात को भर सामान लेके आई थी, सिलाइयां भी उन्होंने नहीं निकाली, सिलाइयां मुझे ही नहीं निकालनी पड़ेगी। तो कपड़े करती हूँ प्रेस, चल कोई नहीं। रात अम्मी जी कह रही थी कि हम तो गए हुए थे चचोली के घर, मैं और अपने अविश अबू जी और अम्मी जी थी, तो उन्होंने कहा है कि कूलर की हवा इतनी ठंडी है ना जैसे एसी की हो, एयर कंडीशनर की हो। जी अम्मी जी कह रही थी कि इतनी ठंडी है जैसे एयर कंडीशनर की हो, तो मैंने कहा यहाँ पे एसी जो है ना लगा हुआ है समझ लें कूलर की जगह, कूलर तो हम इसे कह नहीं सकते क्योंकि इतनी ठंडी हवा है, तो इसे यही कहते हैं कि एयर कंडीशनर है। हाँ जी ऐसे बोल रहे हैं, एसी एसी भाई एसी। अच्छा जी सबसे पहले मैं इसकी सिलाइयां निकालती हूँ, सिलाइयां निकाल निकाल के ये देखें उन्होंने सिलाइयां तो बिल्कुल भी नहीं निकाली। चलो सिलाई निकाल के फिर प्रेस कर लो। हाँ जी। अच्छा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हालिया मैंने कपड़े मेरे चेंज कर लिए, ये देखिए मैंने कपड़े पहने, बाद में दिखाती हूँ आपको। अभी मैंने कंघी करनी है, बाल मेरे भी की गए, तो सबसे पहले करती हूँ तैयारी ईद की। ज़्यादा कुछ नहीं लगाऊंगी, सिर्फ हल्की हल्की सी मैं पेस्ट लगाऊंगी ये वाली, तो क्योंकि गर्मी है तो पिघल जाएगी, तो इस वजह से ये मेरी पिघलने वाली नहीं है, बिल्कुल ज़बरदस्त है ये मेरी, तो इसलिए फिर मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। हाथ की मदद से बहुत ज़बरदस्त पेस्ट लगती है, देखिए जी। मैंने शीशा जो है ना वो अपने कैमरे को मैंने बनाया हुआ शीशा, अच्छा जी कल मतलब एक सिस्टर थी उन्होंने कहा था कि आपकी ब्लकिंग है ना वो नहीं ठीक हुई, उसकी ब्लकिंग मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, वो इसलिए क्योंकि ये वाली ब्लकिंग है ना मेरी, यहाँ मैं जब छोटी थी तब मैं गिर गई थी, कील लगा था उसकी वजह से निशान बना हुआ है, वो निशान अभी गया नहीं, जहाँ पे निशान है वहाँ पे बाल नहीं है, सो इसलिए फिर जो है ना ठीक है। अब आप लोग हंसेगा नहीं, शीशा जो है ना वो मेरे पास ये है मोटरसाइकिल का, अम्मी लोग हल्की हल्की से मैं देख लगाऊंगी। जबरदस्त फेस और आप ऊपर से लगाऊंगी, अबू जी ने भी तैयारी कर ली है, भाई उस्मान ने भी ऑलरेडी उनकी भी तैयारी हो चुकी है, तैयारी करने के बाद हम जाएंगे आप ही लोगों के घर। उन्होंने सुबह सुबह कॉल की थी कि अच्छा जी देखिए सिंपल सी मेरी तैयारी है, अब मैंने क्या लगाना है, कितनी लगाऊंगी आप कलर है इसका माल्टा कलर और रेड कलर,
मतलब शेड है ना मेरे कपड़ों में वही लगाऊंगी, हल्का हल्का सा लगाऊंगी मैं। आपको दिखाई दे रहा होगा ये देखिए, और इसके अंदर है कलर कलर रेड कलर है इसके अंदर, और इसके ऊपर हल्का हल्का सा लगाऊंगी। सामान कर लिए तैयारी। हाँ जी मेरा मेकअप करना है। अच्छा जी ये देखिए तैयारी हो चुकी है मेरी, और अब मैं लगाऊंगी पेंसिल। आईब्रो पे लगाऊंगी पेंसिल। अच्छा जी ये मैंने पेंसिल जो है ना आईब्रो पे लगा ली है, आप इनको थोड़ा सा इसके साथ मैंने सेट करना है। तो देखिए जी आईब्रो मेरे बिल्कुल सेट है, अब मैंने लगाना है मस्कारा। ये है मेरे पास मस्कारा, मस्कारा मैंने लगा लिया है। अब सिर्फ मेरे आती है लिपस्टिक। लिपस्टिक तो आपको पता है मैं कौन सी इस्तेमाल करती हूँ, ये वाली लिपस्टिक। आज मैं लगाऊंगी पेंसिल के साथ, ये लाइनर नहीं लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगी लाइनर, लिपस्टिक लगाती हूँ। अब्बू जी और अम्मी जी बैठे हुए मेरे पास मेरी तैयारी देख रहे हैं। ये वाली लिपस्टिक जो है ना वो मेरी फेवरेट है, मैंने लगा लगा के ना खत्म कर ली है, थोड़ी सब रहती है। हल्की सी मैंने लिपस्टिक लगा ली है, और अब जब मतलब कंघी करूंगी। अच्छा एक और चीज अमित जी, मेरे चूड़ियां इतनी पहनी थी सबसे पहले, ये मैं कल लेके आई थी बिंदास, मैंने आपको दिखाई थी वीडियो में मैंने बनाई थी। ये सिर्फ 3 है, इनका कलर भी खराब नहीं होगा, ये बहुत महंगी मुझे मिली थी। तो ये वाली चूड़ियां इस हाथ में पहन लूंगी देखिए, और ये कल मैं लेके आई थी थोड़ी मतलब लेके आई थी। और मैं पहनूंगी ब्लैक, और ब्लैक कलर है इसमें, ब्लैक और ऑरेंज कलर की चूड़ियाँ कल मैं लेके आई थी, वो मैं पहनूंगी। काफ़ी बहन भाई जाना वो कहते हैं कि आप चूड़ियाँ नहीं पहनती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, मुझे अच्छी नहीं लगती। ये वाली चूड़ियाँ सिंपल सादी चूड़ियाँ मेरी, चूची जो है ना मैं उसी शॉपर में डाल के रख लेती हूँ। तो ये वाली चूड़ियाँ ऐसे एक ब्लैक, एक मल्टा कलर, एक ब्लैक, एक ऑरेंज,
ये देखिए ये रहा सेट चूड़ियों का, ये मैं साथ में पहनूंगी, कैमरा बंद करके फिर ही पहनूंगी ना। अच्छा जी, इस हाथ में मेरी चूड़ियाँ मतलब पूरी नहीं आ रही थी, मैंने इस हाथ से ये वाली उतार के इसको पहनी और ये वाली उतार के मैंने इसको पहनी। मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं ज़बरदस्त, आप कमेंट करते हैं। सब बहन भाई ये कहेगा कि मेरा ड्रेस आपको कैसा लगा, और मेरी तैयारी तो मैंने अपने हिसाब से सिंपल सी की है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, तो ये थी मेरी तैयारी। देखिए जी, उस दिन अबू जी ने मुझे मतलब आपने वीडियो में देखा होगा कि देखा ही था आपने, उस दिन अबू जी मुझे पैसे भी देके आए थे और कपड़े भी मुझे मतलब ईदी मुझे देके आए थे। तो आज ईद का दिन है तो अबू जी फिर जो है ना वो पैसे दे रहे हैं कि आज है ना ईद है। अबू तो सीधे कर थोड़े कर, फिर अबू जी ने मुझे याद दी है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बंद कर लिया मतलब बांध लिया, पीछे से हवा चल रही थी, गीले भी थे लेकिन मैं बांध ली हूं। और हाँ जी जबरदस्त, क्योंकि एक ही मेरा सूट सिलाई हुआ है, बाकी के जो है ना वो ईद के बाद होंगे जी। तो कैसी लग रही है मेरी तैयारी भाई सामान? जबरदस्त माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने नसीब से बिछाए, आमीन। जबरदस्त। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं आपके घर, तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद है ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दे, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग या रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।